पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम वैसे तो अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की दुहाई देती रहती है, लेकिन हकीकत जाने तो हाल इससे भी बुरा है। या तो एमडीए के कर्मचारी अवैध निर्माणों को रोकना नहीं चाहते, या फिर जानबूझकर ये निर्माण रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले में कराए जा रहे हैं। हालांकि एमडीए को इन निर्माणों से विकास शुल्क मिलता है, जिससे विभाग चलता है और शासन को अच्छी खासी रकम शहर के विकास में लगाने के लिए मुहैया होती है। अब सरकार को फायदा हो या नुकसान, लेकिन यहाँ तो अपनी मर्जी से ही कार्य करना है। कुछ ऐसा ही हाल है काशीराम नगर क्षेत्र का, जहाँ पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण या तो पर्दा डालकर कराए जा रहे हैं या फिर दीवारें खड़ी करके। हाल यही नहीं है, आलम यह है कि इस क्षेत्र के कर्मचारियों में पैसों के बंटवारे को लेकर भी झगड़े हो जाते हैं। निवर्तमान अवर अभियंता ने इस पर एक्शन भी लिया था, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक पक्ष पर ही हो सकी। खैर, ये बात कर्मचारियों की रही, लेकिन बात अवैध निर्माणों की करें तो एमडीए नई प्लानिंग लेकर आने की रणनीति तैयार कर रहा है और जमीन किसानों की मर्जी से लेकर टाउनशिप लाने की तैयारी है, लेकिन इस क्षेत्र में अवैध निर्माण खुलेआम किए जा रहे हैं। ऐसे में जब हमारे कैमरे को ये निर्माण नजर आ सकते हैं, तो क्या फील्ड में घूम रहे कर्मचारियों को ये अवैध निर्माण नजर क्यों नहीं आते? हालांकि ये हाल सिर्फ एक ही क्षेत्र का नहीं है, महानगर के सभी क्षेत्रों में हाल यही है। अब ऐसे में अकेले एमडीए उपाध्यक्ष किस तरह से इन सब पर रोक लगा पाते हैं, ये देखना बाकी है। हालांकि ये बात भी सच है कि वीसी की जानकारी में अवैध निर्माण की जानकारी आने के बाद एक्शन भी तुरंत हो जाता है, लेकिन बाद इसके नोटिस का खेल भी इन्हीं अवर अभियंताओं और अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा खेला जाता है। ज्ञात हो कि विभाग में ही कई बार कर्मचारियों की साठगांठ के चलते अधिकारियों में आपसी मनमुटाव तक पैदा कराए जा चुके हैं। इस षड्यंत्र की जब तक अधिकारियों को भनक लगती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।